चलो, मैंने अपनी मेहनत से ये बाइक खरीद लिया, दिन रात मेहनत करके। एक काम करता हूँ, अभी घर जाता हूँ। अरे भाई, वो देख, वो भिखारी केटीएम लेके आ रहा है। क्या भिखारी, जब से तूने केटीएम खरीदी है तब से तुझे बहुत घमंड आ गया है ना? अरे नहीं यार भाई, ये मैंने अपनी मेहनत से खरीदा हूँ, दिन रात मेहनत करके। लाओ सब छोड़, ये गाड़ी मेरे को एक बार चलाने दे। अरे नहीं यार भाई, सॉरी, मैं मेरी गाड़ी नहीं दे सकता हूँ। लगता है तुझे बहुत घमंड आ गया है, ये सब चीज़ का बदला हम लोग तुझसे ज़रूर लेंगे। अरे यार, मैंने दिन रात मेहनत करके एक ही रुपया जमा करके बाइक खरीदा हूँ, और उसे लगता है कि मुझ में घमंड आ गया है, मगर ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बाइक कोई चलाए और इसे गिरा दे। एक काम करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ, मुझे बाहर भी जाना है। भाई वो देख, उमान की बाइक खड़ी है और आसपास कोई भी नहीं है। चल उसकी बाइक तोड़ देते, उसे बहुत घमंड है ना उसकी बाइक पे, उसकी बाइक ही आज तोड़ देते। लिया था दिन रात मेहनत करके, और ये लोग ने मेरी बाइक तोड़ दिए, और अब ये नहीं बन पाएगी। क्या रे भिखारी, कैसा लगा हम लोग ने तेरी बाइक तोड़ दिए तो? बहुत घमंड था ना तुझे तेरे बाइक पे, अब देखते तू क्या कर लेगा। और तू तो इतना पतला है, तू तो मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगा। हम लोग तेरी गाड़ी ऐसा तोड़े ना कि वो कभी बन ही नहीं पाएगी, और वैसे भी तेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तू उसे बना सके। चल हट मेरे बाइक के पास से। उन लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ी, उन्हें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे अपनी मेहनत से अब उन्हें झूठा साबित करना है। मुझे अपनी मेहनत से जल्द एक गाड़ी खरीदनी होगी, और उनको बताना होगा कि हर गरीब लड़का कमज़ोर नहीं होता है, अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकता है। अभी जाता हूँ और काम ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। लगता है यही एड्रेस है। एक काम करता हूँ, अंदर जाता हूँ। कौन हो तुम? सेठ, वो मैंने आपको काम के लिए फ़ोन किया था। अच्छा, वो तुम ही होगा जो मुझे काम के लिए फ़ोन किए थे? हाँ सेठ, मैं वही हूँ। अच्छा देखो, ये गाड़ी है, इसे तुम्हें रोज़ आके धोना पड़ेगा। तो क्या तुम ये गाड़ी रोज़ धो सकते हो? हाँ सेठ, ये मैं रोज़ धो सकता हूँ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ, तुम ये गाड़ी धो दो। ठीक है सेठ। यार बहुत थक गया आज तो, ठीक से सोया भी नहीं हूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत से ही अच्छी सी KTM खरीदना है, और उन लोग को बताना है कि मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकता हूँ। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो क्या पूरी गाड़ी धोके हो गई? हाँ सेठ, पूरी गाड़ी मैंने अच्छे से साफ किया। ठीक है, कल से इसी टाइम पे आना, और कल से तुम्हारी पगार शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, मैं कल से इसी टाइम पे आता हूँ।
अरे इतना टाइम हो गया ये अभी तक गया नहीं। अरे इतना टाइम हो गया तुम अभी तक गए नहीं। हाँ सेठ, मुझे ओवर टाइम करना है क्योंकि मुझे जल्द से जल्द पैसे जमा करना है। अच्छा ठीक है। अरे तुम्हें तो बुखार है फिर भी तुम काम कर रहे हो। अरे हाँ सेठ, मुझे बुखार है मगर मुझे ओवर टाइम करना है क्योंकि मुझे अपनी मेहनत से जल्द पैसा जमा करना है। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रख के काम करो और तुम्हें मेहनत करते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। इसी तरह मेहनत से काम करो, तुम बहुत आगे जाओगे। चलो मेरी पगार तो मिल गई, अभी इसमें मुझे थोड़ा पैसा मिला के जल्द से जल्द केटीएम लेना पड़ेगा और बहुत जल्द अब मैं केटीएम ले लूंगा। अभी काम करता हूं। अरे किससे केटीएम लाया मांग के? अरे भाई ये बाइक मैंने किसी से मांग के नहीं लिया हूँ, ये बाइक मैंने मेरी मेहनत से खरीदा हूँ। तेरी गाड़ी तो हम लोग ने तोड़ दिए थे कि तू आगे ना बढ़े, फिर तूने नवी गाड़ी कैसे लाया? भाई तुम लोग ने सिर्फ मेरी गाड़ी तोड़े थे मगर मेरे हौसलों को नहीं, और मैंने अपनी मेहनत से 6 महीने के अंदर ये गाड़ी खरीद लिया। तो उसमें क्या हुआ, तेरे पास तो केटीएम है और मेरे पास तो हायाबुसा है जो मेरे को मेरे पापा ने गिफ्ट दिए। भाई माना यार कि तेरे पास मुझसे महंगी बाइक है मगर यार तुझे तेरे डैडी ने गिफ्ट दिए, और हमारे घर ऐसा नहीं है, हम मिडिल क्लास है, हमें अपनी मेहनत से ही सब कुछ खरीदना पड़ता है। और तुम लोगों ने ये सोच के मेरी गाड़ी तोड़े थे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी मेहनत से 6 महीने के अंदर दिन रात मेहनत करके बाइक खरीद लिया क्योंकि मैं अपने पापा से नहीं कह सकता हूँ कि मुझे गाड़ी दिलाओ क्योंकि मैं अपनी मेहनत से खरीदना चाहता था और मुझे तुम लोग को बताना था कि हर मिडिल क्लास बॉय अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकता है। हाँ भाई हम लोग ने तेरी गाड़ी इसके लिए तोड़े थे कि तू आगे ना बढ़ पाए, और भाई तूने 6 महीना मेहनत करके इतनी अच्छी केटीएम लिया ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई मैंने दिन रात मेहनत करके लिया हूँ, और मैंने तभी सोच लिया था जब तुम लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़े थे कि मुझे अब जल्दी से जल्दी केटीएम लेना है। और तुम लोग को क्या मिलता है कि किसी की गाड़ी तोड़ के हम अपनी मेहनत से सब कुछ है, और अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके हम आगे बढ़ते, और तुम जैसे लोग हमारे साथ ऐसा करते हेट करते, तो ऐसा मत किया करो। हाँ भाई ये सोच के मुझे भी बुरा लग रहा है। हाँ भाई ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, और तुम्हारे पास तो तुम्हारे डैडी मम्मी है तुम्हें इतनी महंगी बाइक दिलाने, मगर हमारे पास हमारी मम्मी और पापा को बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है क्योंकि हम मिडिल क्लास है, हमें हमारे सपने अपनी मेहनत से पूरे करने पड़ते, तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। तुम तो 2 मिनट में हेड करके निकल जाओगे मगर हमारे दिल पे क्या बीतती है वो हमें ही पता है, और हम कितनी मेहनत करके आगे बढ़ते वो बात भी हमें ही पता है, तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। हाँ भाई सॉरी, और ये देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और आइंदा हम लोग ऐसा किसी के साथ भी नहीं करेंगे। और भाई तेरे को सल्यूट है, तूने 6 महीने में इतनी अच्छी केटीएम ले लिया, और मैं तो ऐसी गाड़ी कभी ले ही नहीं पाता था। मैंने दिन रात मेहनत करके ये केटीएम खरीदा और मेरी गाड़ी टूटी थी मगर मेरा हौसला नहीं, इसलिए मैंने मेहनत करके जल्द से जल्द केटीएम खरीद लिया। और हाँ भाई आइंदा ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना क्योंकि हर मिडिल क्लास बॉय अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकता है। और भाई मुझे माफ कर देना। अरे भाई कोई बात नहीं, चल मैं भी जाता हूँ। सो गाइस कैसी लगी शॉर्ट फिल्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, एंड आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाना है। एंड गाइस मैंने बताया आप लोगों को मैं
ये शॉर्ट फिल्म मिडिल क्लास के ऊपर बनाया था, लेकिन मिडिल क्लास वो कैसी मेहनत करके खरीदता है। सो आप लोगों को पूरी वॉच करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है। एंड गाइस आप लोगों को पता है ये आधी से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म हेटर्स लोग के ऊपर भी, मैं ये नहीं बना रहा था, बट जब गाड़ी टूटी उसके बाद से फिर मैंने लाइक ऐसा कुछ सीन किया, मुझे हेटर्स के ऊपर भी बनाया था। एंड मैं लोग को ये चीज़ बताना था कि मिडिल क्लास वो है, आप लोग कितना भी कुछ भी कर लो, मेहनत से सब कुछ कर सकता है। सो गाइस आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है।